ये एक माशाल्लाह क्या बकरे हैं, ये अंडुल कलेक्शन है पूरा, मगर हाइट अच्छी है। आपकी हाइट खुद आप खुद 6 फीट के हो, 6 फीट में आपके ऑलमोस्ट सीने तक आ रहा है। किसी को देवनाथ से बकरे लेना हो अच्छे तो आपको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फुल गरम वो खेल रहे हैं अभी। अरे बाप रे, सही है। कितने में लिया हरुण भाई ये? 23,000 रुपये में। 23,000 में? 23,000 रुपये। और वो कितने में? 18,000 रुपये में। क्या बाजार है आज का, सस्ता बाजार। अच्छा है, जबरदस्त चीज मिल रही। वो 18 का है और ये 23 का है। कम से कम 35,000 रुपये का बकरा इसका, 35,000 रुपये का बकरा इसका। अच्छा मिल गया। वो देखो ना भाई, खाली भाई वो देखो, वो भी 18,000 रुपये में। 25,000 का बकरा इतना कभी भी बिकता हो। किधर जाने गए बकरा? ले गए भिवंडी। भिवंडी ये यहीं से लिए, बाहर से मंगाए? यहीं से लिए, यहीं से लिए। खरीदी है भाई, यहाँ पे सब आता। खालिद भाई माशाल्लाह। अरे यार इधर आओ, भिवंडी कितना काटने आओ। ये कोटा है ना? कोटा गुलाबी है, माशाल्लाह। अच्छा है गुलाबी में, माशाल्लाह। ये इतना बड़ा अदंत है माशाल्लाह। दिखाओ दांत, दिखाओ। प्योर कारोली। अरे माशाल्लाह, होएगा कम से कम 70 किलो तो है। 70 नहीं भी तो 65-60 तो होगा। 65-70 के आसपास है। इतना भारी है ये, देखो ना। आज कोटा माल ज्यादा अच्छा आया। ये 4 दांत पे तो फ्रेंड्स ये लेने लायक है। ये सारे बकरे जो है ये लेने लायक है आपको, ले जाके मगर सेट करना पड़ेगा। ये 2 दांत का है ना, मगर ये बिक गया ना? बिका हुआ। कितने में गया ये? 12,000। होगा कम से कम 40 किलो का, 35-40 के आसपास आएगा। हाइट में कम है मगर है साफ सुथरा बच्चा है। आज बारिश है देवनार में, वो हिसाब से ठीक है। थोड़ा टचअप की ज़रूरत है और क्या। आज कोटा माल ज़्यादा आया है फ्रेंड्स। ये कट्टू सेक्शन है पूरा, कोटा ही कोटा है ना। कट्टू में कोटा। उधर एक बड़ा बकरा मेवाती है ना ये हारून भाई? कितने दांत पे है? 4 दांत पे। 4 दांत पे ना? लटकन देखो भाई, भाई हाइट अच्छी है इसकी। लटकन देखो ना, और हाइट भी माशाल्लाह। हाँ हाइट अच्छी है। भाई ओ भाई साहब क्या बोल रहे भाई? बाईस हजार। क्या वजन में होगा ये? 60-65 होगा। 60 पकड़ो। 60 पकड़ के चलो। बाकी पकड़ा देखो यार, क्या क्या कुछ शुरू हो। 15 का वो मेवाती का 22 बोल रहे हैं अपन, 20 लगाए ना? नहीं 14 लगाए अपन, 15 लगाए। अच्छा था वो मेवाती, अच्छा था उसका। 22,000 मेवाती का।
ये अच्छे बकरे हैं। कौन से है? मालवा में है क्या? मालवा में है ना ये? ओनर नहीं है इसका, मगर बकरे अच्छे हैं। ओ दादा तुम्हारा क्या? छब्बीस हजार ये बकरे का क्या दांत पे है भैया? हिसाब से 26,000 बोल रहे हैं, क्या दांत है इसका? अरे 8 दांत पे है भाई, वो बेचने वाला रेट नहीं है, वो टाइम पास वाला भगाने वाला रेट है। 26,000, उससे अच्छा तो फिर वो मेवाती का 22,000 वो सही बोला था हाजी साहब ने। मैं नहाया धोया नहीं है लेकिन अच्छा लग रहा है। कितने का दे रहे मामा? क्या सोजत में है ना? देने का बोलो ना। क्या देख रहे क्या दे रहे? अदंत है ना, तोतापुरी बच्चा है। तोतापुरी कहाँ से हो गया मामा? पतीरा है। अरे नहीं मामा, पतीरा नहीं है, गुलाबी में सोजत है बस। अहमदाबाद से आई है इसके लिए, गुलाबी सोजत है मगर पैर कैंची हो चुका है उसका पीछे से। मेहनत लगेगा इसके पीछे, बकरा अच्छा है। फाइनल 20,000। फाइनल 20,000 फ्रेंड्स, ये 20,000 फाइनल इसका बोल रहे। ये इसमें ये गुजरी आप देख सकते हो, ये गुजरी आप देख सकते हो, ये गुजरी फ्रेंड्स अच्छा है। तो आज माल काफ़ी अच्छा आया है फ्रेंड्स, बस ये है कि कौन सा वो वाइट वाला, ऐसा नकोड़े वाला ना? हाँ वो वाइट वाला मुझे भी अच्छा लगा, पंच फेस है। वो वाइट वाला मस्त है, ये वाइट वाला जिसके गर्दन के पास पैच है आगे गया। हाँ वो हाँ गुजरी अच्छा है, गुजरी का वो अच्छा लग रहा है वो, मगर अभी प्राइस पूछने का मतलब नहीं है, ये गवाल लोग लेके जा रहे हैं। खैर आज माल अच्छा लगा देख के। रसगुल्ला, रसगुल्ला है वाइट वाला, अंगूर है, अंगूर है। किधर लेके जा रहे? इन सारे बकरों में ये एक नज़र में आ रहा है वाइट वाला, अच्छा है। तो फ्रेंड्स बकरे आप ले सकते हो देवनार से, लेकिन आपको बहुत चैलेंजिंग रहेगा। ये रोड भी दिखा दूं थोड़ा, खाली खाली रोड। ये एक सिरोही में, ये भी अच्छा बकरा है, मुझे निकलना पड़ेगा। ये एक माशाल्लाह क्या बकरे हैं, ये अंडुल कलेक्शन है पूरा। करोली है ना, जरा दाते एक दो बकरों का चेक करो ना, पता चलेगा क्या क्वालिटी है। ए भाई आड़ी मारना दे मेरे को, कितना है वो? 6 दांत है, मगर हाइट अच्छी है। आपकी हाइट खुद, आप खुद 6 फीट के हो, 6 फीट में आपके ऑलमोस्ट सीने तक आ रहा है। संभल गया ये आड़ी, एक गुजरी थोड़ा लुक दे रहा है मुझे। हाँ वो दिखाओ, माशाल्लाह क्या ये होगा? 6-8 पे होगा, 6 दांत माशाल्लाह, मगर चीज है। इसका पैसा क्या बोल रहे? ये मेवाती, फुल तोता है भाई, 6 दांत होगा ये, 6 दांत अभी लगाए हो। ये सारे बकरे जो अपन देख रहे हैं कम से कम 70 किलो के होंगे, 65 से 70 ज्यादा ही होंगे, कम बोल रहा हूँ। 65-70-80 तीन में से लेंगे। ये सोजत में है ना, मस्त है, इसका फ्रेम अच्छा है, थोड़ा सा कैंची हो गया पीछे से, लेकिन वो थोड़ा मेहनत लगेगा। फ्रेंड्स मैं बता दूं, हारून भाई खुद 6 फीट के हैं, तो ये 6 दांत का है। हारून भाई खुद 6 फीट के और उनके सीने तक बकरे आ रहे हैं। मुन्ना भाई के बाड़े पे कभी भी आके ले जाएगा, मुन्ना भाई के बाड़े पे ना। हाँ
प्राइस का अंदाजा नहीं है ना अभी, एक्चुअली बहुत कस्टमर है फ्रेंड्स। ये ब्लैक वाला, ये वाला 55,000। बाप रे, इतने कस्टमर एक ही भाड़े में। ये 300 के बच्चे अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। ये शायद बिक गए हैं, लेकिन प्राइस का आइडिया नहीं है मुझे फ्रेंड्स। क्या हो गया, सब इधर ही घुस गए खाने। ये कौन सा बच्चा है, मगर नस्ल क्या है, नस्ल क्या है? ये तो देसी बकरा है ना फ्रेंड्स। ये एक सिरोही बकरी है, देखो ये जस्ट अभी बॉर्न हुआ है ये बच्चा। सो देवनार में ऐसे डिलीवरी भी हो जाती है क्या? हाँ नहीं, ये यही की मतलब सिरोही बच्चा, वो भी मेल है, मेल है, ये भी मेल है। ये कुछ सोजत के बच्चे, अच्छे बच्चे हैं फ्रेंड्स। सब भाग रहे इधर उधर। किसके, कौन से? ये बकरी का 12,000 बच्चे के साथ ना। और वो आगे वाले बच्चे का कितना बोल रहे हैं? देसी बच्चा वो बिका हुआ है। अच्छा फ्रेंड्स, इतने पब्लिक है खरीदने वाली। ये बाड़े में भी अच्छे बकरे आए। ये अच्छा लगा फ्रेंड्स, ये अच्छा एकदम हेल्दी है और एकदम चरफर है, आप देख सकते हो। अच्छा जान दो साला, बहुत एक्टिव है वो, बहुत गर्म है वो, देखो आड़ी मार रहा है, गुस्से में हो। जान दो, जान दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, चलाओ। बाल वाले गुजरी। ये अच्छा लगा मेरे को, ये एकदम एक्टिव है और एकदम फिटिंग अच्छी है बकरे की। बार्गेनिंग चालू है। कितना मांग रहे इसका, इसका 21,000 लेने का बोले यार। 21,000 माँ कसम, बकरा ईद का टाइम में आता है। अरे बाप रे, फुल गरम वो खेल रहा है अभी वो। अरे बाप रे, सही है, फुल एक्टिव पसंद करने लगा है वो, फुल। ये है, ऐसे बकरे ले सकते थे मतलब मंडी से जो चरफर हो। अरे बाप रे, मजा आ गया। वो अभी आप ही के पीछे जा रहे हैं। हाँ देख, वो दांत खुद दिखा रहा है, वो अपना दांत खुद दिखा रहा है हारून भाई। दंती है भाई? नहीं, दो दांत है, मैं देखा। वैसे 21,000 बहुत ज्यादा बोले इसका। वो कैमरा देख के भी थोड़ा रेट ज्यादा बोलते हैं लोग। अरे बाप रे, मेरे पास नहीं आना भाई, मेरे पास नहीं आना। चलो तो फ्रेंड्स, ये था देवनार की अपडेट, हारून विथ हारून भाई। सो हारून भाई, आप देवनार कितने कितने टाइम आते हो? खालिद भाई, मेरा ऐसा है कि थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, मेरा ऐसा है ना खालिद भाई, कि यहाँ पे मेरे रिक्शा का धंधा है। हाँ, अगर वो मेरे को भाड़ा इधर का लग जाता तो ज्यादातर मैं आ ही जाता हूँ मंडी वाले दिन खास कर। तो मतलब आपको यहाँ पे कोई बकरे लेके आप यहाँ से ट्रांसपोर्ट भी करते हो? ट्रांसपोर्ट भी करता ना बकरे का। अगर जैसे किसी को देवनार से बकरे लेना हो अच्छे, तो आपको भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, और मेरे को खुर काटने के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते। अच्छा, आपने वो भी हुनर सीख लिया क्या अभी? अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो बहुत पहले से आता, लेकिन काटना अभी चालू कर रहा हूँ। खुर कटिंग, हेयर ट्रिमिंग सब करने लगा? हेयर ट्रिमिंग अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन खुर कटिंग के लिए आ सकते हैं, ट्रिमिंग आगे करूंगा। अच्छा, तो ट्रांसपोर्टिंग वगैरह देवनार से आप करवा दोगे कहीं पे भी? तो आपका नंबर बोल दीजिए। 8169 8169 66 66 21 21 55 55। तो फ्रेंड्स, ये था
आज का व्लॉग विथ हारून भाई इन देवनार बकरा मंडी। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, फिर कभी इंशाल्लाह देखते हैं मुलाकात हारून भाई से होती है कि नहीं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।